बत्ती आ गई है। दूसरा दिस इज लवी लवराज रिपोर्टर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम सुनारी। डिलीशियस डिलीशियस बेबी कॉर्न। हाँ जी, तो सत श्री अकाल सारियां, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई सबसे पहले माफ़ी सॉरी जो व्लॉग इतना लेट आ रहा है। देखो भाई, सीन बताता हूँ हुआ क्या है। पहले तो मेरा था पेपर, ठीक है, जैसे पंजाब से घूम के आया, पंजाब का व्लॉग डाला, उसे ख़त्म किया। उसके बाद थे मेरे 11th के फाइनल के पेपर, ठीक है। अब तुम्हें पापा और मम्मी का तो पता ही है कि पहले पेपर दे दो फिर बाद में व्लॉगिंग करते रहना। तो उसी चक्कर में पहले एग्ज़ाम वगैरह था, और एग्ज़ाम में और मज़ा आया। एक पेपर में मेरे को थोड़ा सा मतलब रीटेस्ट देना पड़ गया, तो और थोड़ा सा मम्मी पापा लोगों का होता है ना, तो वही चीज़, तो इसीलिए उस चक्कर में और नहीं मतलब क्या बोलते बना पाए। तो बस अभी नया व्लॉग अब से कंटिन्यू आएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और रहा बात कि आज मैंने ये व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, मतलब क्यों स्टार्ट किया है ऐसे व्लॉग, तो भाई देखो बताता हूँ क्या। मेरे नाना जी और नानी जी का 45th मैरिज एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है आज। तो आज यानी 22nd अप्रैल, तो उसी का तैयारी वगैरह हो रहा है। तो हमने मामा जी ने और नाना जी ने सोचा कि चलो थोड़ा ग्रैंड इसको बना लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बस उसी का तैयारी वगैरह चल रहा है। और ये रहा बाकी का सीन, यहाँ पे सब खाना वगैरह बन रहा है। कुछ काम कुछ सामान वामान चाहिए अंकल? सब है ना, ओके है ना? कुछ चाहिए होगा हमको आवाज़ दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इधर खाना वगैरह बनने का, और यहाँ पे लग रहा है टेंट। तो बने रहिएगा ऐसे, इस व्लॉग को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अभी तो ऐसे कुछ ज़्यादा काम नहीं है मेरे लायक, सब कुछ हो रहा है। अंकल लोग भी अपना खाना वगैरह बना रहे हैं, और जैसे मेरी लोड पड़ेगी हम वैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत। तो आइए अब आपको हम लोग दिखाते हैं हमारी घर की खेती, ऐसे बोलते हैं ना घर की खेती, तो आपको दिखाते हैं घर की खेती। चलिए, ये तो हमारा पूरा वाड़ी है, हम लोगों का मतलब नाना जी लोगों का जगह है। ये हमारे स्विफ्ट का सबसे पहला बम्पर जो हमने लगाया था, ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पर। और चलते हैं अब आपको दिखाते हैं हम लोग अपना खेत। तो यहाँ पर भाई सब सब्जी है, सब मतलब धनिया, मतलब जो डेली यूज़ में आने वाली सब्जियां हैं ना, वो सब है यहाँ पे। जैसे अभी नानी जी ने बोला है बैगन तोड़ के लाओ, तो भाई बैगन तोड़ के लेके जाते हैं उनके लिए। तो ये रहा बैगन, तो ये तो तोड़ लिया हमने बैगन। भाई हम लोग खाते हैं घर का, नो केमिकल्स। चलो इसे जब जल्दी से आके दे के आते हैं उन्हें, ठीक है। आपको मिलते हैं ऐसे जो बीच बीच में हम लोग जुड़ते रहेंगे, तो बने रहिएगा। तो भाई हम भी नहा धो के रिलैक्स हो के वापस से आ गए हैं। यहाँ पे टेंट का सामान भी आ गया है, शाम तक टेंट भी लग जाएगा। तो जो थीम है वो है ब्लैक और गोल्डन, मतलब सोचा हमारी ये मामी जी का क्या बोलते हैं मामी जी का आइडिया था कि चलो अगर सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो कुछ थीम में कर लेते हैं। तो फिर हम लोग ने सब ने डिसाइड किया कि चलो ब्लैक एंड गोल्डन थीम में करते हैं, तो बस उसी थीम में बनेगा। चल बैठ जाओ उधर, तो जा। बोलो भैया, अभी तक ये लगा टेंट लग जाएगा टेंट। आपको मिलते हैं गाड़ी पार्क करके, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए व्लॉग बनाना रिस्की हो सकता है। सबको यही मेरी क्या बोलते हैं छोटे भाई की तरफ से ये एक वार्निंग ले लीजिए, या कुछ भी गाड़ी चलाते हुए फ़ोन मत यूज़ करें। तो भाई काम सब जोरों शोरों में चलते हुए टेंट लगना भी स्टार्ट हो गया है। इधर भी जो डिशेज हैं जो मेन्यू में है वो भी बनने चालू हो गया। तो अब आपको मिलते सीधा शाम में जब पार्टी चालू होगा, ठीक है। हाँ जी, तो गाइस फाइनली तैयार होकर हम घर आ गए हैं, मतलब नीचे आ गए हम लोग। तो बीच में पंजाबी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई, अब पंजाबी हैं तो पंजाबी तो निकलेगा ही। ये रहा पूरा टेंट का डेकोरेशन, ये रहा 45th मैरिज एनिवर्सरी। यहाँ पे खाना आएगा, यहाँ चुस्की पानी और भी जो वगैरह वगैरह स्टार्टर थे छोटा मोटा वो भी आते रहेगा, और पूरा इस ब्लॉग को देखिएगा आपको। तो गाइस एक बैड न्यूज़, हमारी टेंट का फ्यूज़ ही उड़ गया पूरा। हाँ जी पिलाने दादा जी ने पानी का ग्लास भी दे दे या जाए, पंजाबी नहीं छोड़ दी यार। तो गाइस ये रहा कैसा है, एक बारी बता दो मुझे कमेंट करके।
एक बार कमेंट करके बता देना गाइस कैसा है ये डेकोरेशन, भैया के द्वारा की गई है डेकोरेशन। यूट्यूब में छोड़ेगा? हाँ यूट्यूब में छोड़ेंगे भैया। टेंट की तो लाइट उड़ गई है पर यहाँ की लाइट जल रही है। और क्यों नहीं समझ आ गया? और समझ नहीं आ रहा भाई। बस तब से हम स्ट्रगल में है कि ये जो ऊपर वाली लाइट से आ जाए, ये तो स्ट्रीट लाइट है, थोड़ी तो लाइट आ रही है, तो यहाँ पे तो सीन ही खराब हो जाएगा सारा अगर लाइट नहीं आई तो। चलो जब तक यहाँ पे बत्तीला काम चल रहा है तब तक हम लोग काला कट्टा ही खा ले। और ये जो हमारे अंकल है जो लिंक रोड वगैरह कदमा साइड रहते हैं, इन्हें तो पहचानते होंगे अंकल। पहचानते हैं ना आपको सर? अगर आप लिंक रोड में इनके यहाँ से चुस्की नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस की बत्ती आ गई है। दूसरा, दिस इज लवी लवराज रिपोर्टर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम सुनारी। तो आज हम आए हैं सुनारी के प्रधान तारा सिंह गिल का इंटरव्यू लेने। एक बड़ी तारा सिंह का चेहरा दिखा दिया है। तो आज जो मेन हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए हैं वो इसलिए लेने आए हैं कि आज प्रधान साहब की 45th मैरिज एनिवर्सरी कंप्लीट हो गई है। तो हम उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है, वो कैसा चाह रहे हैं कि उनका कैसा रहा है। तो आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रधान साहब आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपकी 45th एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे आप कैसे फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। 45 साल लाइफ पार्टनर के साथ में बिताने के बाद आज वो दिन आया है कि हम लोग 45 कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्चुअली ये 46वां है जो आज इसे स्टार्ट हो गया है। तो बहुत अच्छा फीलिंग है कि इतने लंबे अरसे से पार्टनरशिप हमारी जो है, हमारा बेटा हाफ जो है उसके साथ जो है 45 साल हमने कंप्लीट किए हैं और 46वां से लग गया है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो खुशी है ये तो ऐसी बरकरार रहे लाइफ टाइम, हमें इस चीज़ की दुआ करते हैं। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने 50वां एनिवर्सरी किस तरीके से मनाया? जैसे आपने बताया कि आपकी 46th है जबकि 45th नहीं, 46th है, ये आपने इतना ग्रैंड सेलिब्रेट किया है, तो 50th कितना ग्रैंड होगा वो हम उनसे पूछना चाहते हैं। दरअसल ये प्रोग्राम जो है जल्दीबाजी में हुआ है और बहुत छोटे स्तर पर हुआ है। 50-60 हमारे जो हमारे भाई बहन हैं उनका परिवार है, मुश्किल से बस और कुछ गुरुद्वारे के लोग हैं और 50-60 लोग जो हैं, छोटा मोटा फंक्शन है हम सब। ये अचानक विचार आया कि नहीं 45 भी हम लोग मनाना चाहिए। 5 साल के बाद जब 50 साल होगी, बोली जी हमारी होगी, तो उसको हम बड़े स्केल पर जो है बड़े स्तर पर हम जो करेंगे किसी होटल वगैरह में, जब क्षेत्र के किसी नानी होटल में या आपका हाईवे वगैरह में, उस समय वहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम बोली जी। तो चलिए, जैसे कि मेरी बेस्ट विशेष, तो हमारी जैसे कि बेस्ट विशेष कि हम यही दुआ करते हैं कि इनकी 50th भी जल्दी आए और हमें इससे भी बड़ी पार्टी खाने का मौका मिले। डिलीशियस बेबी कॉर्न आ गए हैं, हम बेबी कॉर्न खा के बताएंगे कैसा है। मम्मी रिव्यू देखते हैं अभी, देखते जल्दी। गाइस धीरे धीरे हमारे जो सारे गेस्ट हैं वो आना चालू हो गए हैं। गेस्ट नाना जी के कुछ गुरुद्वारे के कमेटी मेंबर अगे मेरे पापा तो बाहर हो गए जी। हाँ जी, तो गाइस फाइनली केक इज हियर। केक कैसा लग रहा है भाई, एक बारी जरूर कमेंट में बता देना। अरे अरे धन्यवाद धन्यवाद। फड़ो जी। तो गाइस ये रहा केक। जी तो गाइस फाइनली केक कटिंग होने जा रही है, आइए केक कटिंग एंजॉय करते हैं। Happy
अब हमारी बारी है गिफ्ट की। टन टन ये सबसे पहले बताओ, ये पूरा गिफ्ट बॉक्स मैंने बनाया है। यहाँ पे इंसानों की फोटो शूट तो हो गई है, अब कुत्तों के साथ फोटो शूट होगी। ये बच गया था, ये बस गया था, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट टास्क है।
अबे तुम हटो सामने से, इधर देख इधर इधर। जबरदस्त भाई, जबरदस्त क्या मेरा बना रहा है, समझ सकते हैं ये चीज। हाँ तो गाइस, सेलिब्रेशन जितनी थी एनिवर्सरी की वो सब खत्म हो गई है। अब बस फैमिली के कुछ गिने चुने मेंबर्स है जो बाकी है, वो सब डिनर कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को करते यहीं एंड। दिस इज लवी लवरा साइनिंग ऑफ। टेस्ट ऑफ।